नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन खंड पद्धर की बैठक अध्यक्ष सतीश भाटिया की अध्यक्षता में सामाजिक दूरी को मद्देनजर रखते हुए की गई। बैठक काफी समय के बाद की गई क्योंकि सभी कर्मचारी कोरोना की वजह से इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। बैठक में सभी कर्मचारियों द्वारा सरकार से मांग की गई कि केंद्र के तर्ज पर हिमाचल में भी 2009 की अधिसूचना को लागू किया जाए, जिससे कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु के दौरान उसके परिवार को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। सरकार द्वारा कर्मचारियों की मृत्यु पर कोई भी अनुदान उसके परिवार को नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके अब तक मृतक कर्मचारी के परिवार को दिया जाता रहा है। अब राज्य कार्यकारिणी द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जिसमें कर्मचारियों को जिसने एसोसिएशन में सदस्यता ग्रहण की है, समूह जीवन बीमा के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इस स्कीम में कर्मचारियों को लगभग 1000 वार्षिक किस्त देनी होगी। किसी भी प्रकार की मृत्यु पर कर्मचारी के आश्रितों को 5 लाख की अनुदान राशि मिलेगी। सतीश भाटिया ने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक कर्मचारी इस स्कीम में जुड़ें। इस बैठक में प्रेम भारद्वाज महासचिव, मोहर सिंह कोषाध्यक्ष, अन्य गणमान्य सदस्य व प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। आज न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन पद्धर के ब्लॉक की यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे महासचिव प्रेम भारद्वाज जी और कैशियर मोहर सिंह जी और अन्य सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें कोरोना में बिजी होने के कारण जो हमारे कर्मचारी इसमें कोरोना ड्यूटी में लगे हुए थे, हम बहुत से कर्मचारियों की मेंबरशिप नहीं कर पाए, ना ही हम NPS के लिए ज्यादा समय दे पाए। आज हमने यहाँ पर बैठकर एक रणनीति बनाई कि किस तरह से हम आगामी जो हमारी कार्यवाही है उसे जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हम लोगों को इसमें कवर कर पाएंगे। इसमें हमने एक स्कीम जो GIS हमारे स्टेट लेवल से शुरू की गई है, जिसमें जो हमारा कर्मचारी अगर जिसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है ड्यूटी टाइम पे, तो एक तो सरकार से हमने डिमांड की थी कि जो 2009 की जो नोटिफिकेशन है उसे लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन का जो फायदा है वो मिलता था, लेकिन सरकार की तरफ से उसे लागू नहीं किया गया है अभी तक। तो हमने एक सरकार इससे अपने एसोसिएशन की तरफ से GIS की एक जो स्कीम है इंश्योरेंस की वो शुरू की है, जिसमें कर्मचारी को लगभग 1000 रुपया प्रीमियम जो है तो उसको साल का देना पड़ेगा। पहले हम अपने लोगों से कलेक्शन इकट्ठी करके कर्मचारियों को अनुदान देते थे, जिसमें से कर्मचारियों का जो परिवार पीछे जो मृतक का परिवार रह जाता था उनका विचारों का बहुत एक फाइनेंशियली उनको असिस्टेंस नहीं मिल पाती थी, लेकिन 1000 रुपये दे करके उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए जो है तो इंश्योरेंस के मिल जाएंगे, जिससे थोड़ा बहुत उनका आर्थिक जो अनुदान उनको मिल पाएगा। तो हमारी आज इस मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को उसमें लाभान्वित करें, कवर करें, ताकि जो हमारी स्कीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को पहुँचे और जो हमारे कर्मचारी अगर किसी तरह से उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भी थोड़ा उनको फाइनेंशियली जो है तो सपोर्ट मिल सके।